के बहुत सारे खुलासे होंगे हमारी इंडस्ट्री को लेकर इस शो में, और आई थिंक ये एक पहली चीज़ जो मुझे बहुत ही इम्पैक्टफुल लगा जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। मेरा कैरेक्टर एक्चुअल में उन सुपरस्टार्स की एक झलक है, दैट हाउ आर दे इन देयर पर्सनल लाइफ। आई थिंक सर मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो मेरे सारे दोस्त मुझे क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ तो बुलाते हैं, बोलते अच्छा मुझे गॉस दो, व्हाट इज़ अ गॉस, और मेरे पास कोई गॉस होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो मैंने सुनी भी होती है तो मैं भूल जाती हूँ। शो टाइम वेब सीरीज आ रही है हॉटस्टार पे, क्या है शो टाइम के बारे में थोड़ा बताएं। वेल आई थिंक पहला जो मैसेज गया है हमारे ट्रेलर के तौर पर, आई थिंक वो एक अंदाज़ा देता है लोगों को एक जो वर्ल्ड हमने क्रिएट किया है कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड का, एंड बेसिकली ये बहुत सारे खुलासे होंगे हमारी इंडस्ट्री को लेकर इस शो में, और आई थिंक ये एक पहली चीज़ जो मुझे बहुत ही इम्पैक्टफुल लगा जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। तभी तो मुझे सिर्फ आई थिंक एक छोटा सा एक्सर्प्ट मिला था सिनॉप्सिस का, जो एक ड्रामेटिक कहानी है, एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप एक फैमिली की, फादर सन रिलेशनशिप की, जहाँ पे दोनों के ब्रांड्स जो हैं सिनेमा के, उन दोनों में काफ़ी अंतर है। फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है महिमा की, और वहाँ से जो ड्रामा है इट किक स्टार्ट्स, एंड उस वहाँ से आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के ऑफिस से, उस स्टूडियो सिस्टम से आप इंडस्ट्री को देखते हैं। फिर राजीव कैरेक्टर हो या श्रेया, मौनी, अलग अलग किरदार जो हैं, प्लेइंग वंडरफुल कैरेक्टर्स एक ऐसी दुनिया में जहाँ यू नो इडियोसिंक्रेसीज हैं, यहाँ पे क्रिएटिव जीनियसेस हैं, पागल लोग हैं, न्यूरोटिक लोग हैं, डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स हैं, डिल्यूजनल लोग हैं। मैं एक एक्टर सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहा हूँ, लाइक क्रिएटिव जीनियस, वो आपको देखने के बाद मालूम पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि सुपरस्टार्स कितने क्रिएटिव जीनियसेस हैं या हार्ड वर्किंग हैं या क्या हैं, बट हमारी इंडस्ट्री में एक सिस्टम भी है एक्टर्स का, फिर सुपरस्टार्स। तो मेरा कैरेक्टर जो है वो लेट्स से जो कंटेम्प्रेरी सुपरस्टार्स हैं उनका वो साइड दिखाता है जो शायद हम लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं, और चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो सुपरस्टार्स हों, चाहे वो एक्टर सुपरस्टार्स हों, आई थिंक सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ है जिसके अंदर वो इनसिक्योर भी हैं, सिक्योर भी हैं, ईगो भी है, एम्बिशन भी है, और बहुत कुछ है। सो मेरा कैरेक्टर एक्चुअल में उन सुपरस्टार्स की एक झलक है, दैट हाउ आर दे इन देयर पर्सनल लाइफ, और ऑफ कोर्स ऑन कैमरा ऑल्सो ये एक सुपरस्टार है। और परफॉर्म करते वक्त ऑफ कोर्स आपको जो चीज़ें हैं वो स्लाइस ऑफ लाइफ ही कह लीजिए, हमारी इंडस्ट्री में से जो भी हम सब ने सुना है या हमने देखा है, और जिन लोगों ने काम किया है सुपरस्टार्स के साथ में या एक्टर्स के साथ में, तो जो कुछ भी उनके एक्सपीरियंस में उन्हें समझ में आया वो सब कुछ राइटर्स ने इस सीरीज़ में डाला है, मेरे कैरेक्टर के साथ में डाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत ओवर द टॉप हैं या कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, एक हल्की सी झलक है जो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हाँ यार ये मैंने कहीं सुना था, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत छुपाना पड़ा, आई थिंक बहुत कुछ दिखाया है इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्री। जब ऐसा जो आपका अनुभव नहीं है उस तरह का कोई रोल जब आपको ऑफर होता है, ऐसी स्क्रिप्ट जो इंडस्ट्री के अंदर का ही खुलासा कर रही है, तो आप कैसे आपने इसको पॉजिटिवली लिया कि हाँ मुझे ये करना है? आई थिंक सर मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और जब आपकी स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग हो, और जैसे आपने कहा कि ये जो शो है इट्स बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, द गुड एंड द बैड, सो आई थिंक जब मैंने ऑडिशन करा इन पंचमी घावरी, द कास्टिंग टीम एट धर्मेटिक, व्हेन शी रीच्ड आउट टू मी, तो सबसे पहले तो मेरे लिए वो टास्क था टू मेक श्योर दैट आई गिव माई बेस्ट एंड जस्ट टू मेक श्योर दैट आई गेट द पार्ट। सो आई थिंक वो सबसे पहला एग्जाम होता है आई थिंक एक एक्टर का, टू फर्स्ट गेट द पार्ट एंड देन प्रोबेबली गिव योर बेस्ट। सो इट इज़ एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी सर टू शेयर स्क्रीन स्पेस विथ all these incredible actors on such a strong script, so I think bahut badi opportunity thi. So chhota sa sawal hai, kisne sabse zyada pareshan kiya aur kisne sabse zyada support kiya? Sir kisi ne pareshan nahi kiya, hum sab yahan par bahut matlab kiya, wo hans raha
नहीं सर, किसी ने मतलब ऑन स्क्रीन बहुत लोगों ने महिका नंदी को परेशान किया, दैट इज़ फॉर श्योर, बट महिमा को बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला. और जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं, उनको नोटिस करना, उनको ऑब्जर्व करना अपने आप में एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. सो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आई थिंक मैंने शायद सबको परेशान किया, बिकॉज मेरा पैर टूट गया था शूट करने से पहले. या सो आई इंजर्ड माई सेल्फ, तो वो आप कह सकते हैं, बट नहीं, इट वॉज I twisted my foot and both my ligaments were slendered. So I was limping. Yes, but बहुत मज़ा आया. से आपने साउथ में भी बहुत काम किया और बॉलीवुड में भी आप काम करें. आपके पास कुछ ऐसी स्टोरी थी, आपने कुछ ऐसी इनपुट दी जो इस शो को इनहांस कर सके सच्चाई से? हाँ, वही बहुत सारी जो हमारी हमारे शो में गॉसिप्स और जो एनेक्डोटल चीजें हैं, इनके एक्सपीरियंस और जो सुना है इन्होंने दोनों इंडस्ट्रीज से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से. बुरी बात ये, सब लोग मेरे सारे दोस्त मुझे क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ तो बुलाते हैं, बोलते अच्छा जो गॉस दो, व्हाट इज अ गॉस, और मेरे पास कोई गॉस होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो मैंने सुनी भी होती है तो मैं भूल जाती हूँ. आई जस्ट कांट गॉसिप, आई कांट, दैट्स नॉट मी. तो देवाला लग गया ये यूजलेस एक्ट्रेस है, तो कुछ 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 मिलता नहीं है. नो गॉस, नथिंग. कैमरा ऑफ हो तो नहीं, नहीं मैं वही सोच रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि मेरे पास गॉस नहीं है. बट देन व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर, मैं और राजीव मिले थे, हम लोग का कॉन्वर्सेशन था, इट वॉज जस्ट अबाउट टेबल रीड, दैट वी विल टॉक एंड रीड. आई डोंट थिंक वी रेड इवन अ सिंगल लाइन, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट आई हैव हर्ड. अच्छा, आई कांट टेल योर नेम, बट दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, एंड दिस हैपेंड, एंड दैट. आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट ऑन द मोर इमोशनल साइड. But I genuinely don't like to gossip. I don't. Yeah, okay, all right. Imran, ये trailer देख के लगता है ये old school और new जो youth है उसकी भी कुछ लड़ाई दिखती है कि जो पुराने director है या पुरानी सोच है और अभी जो cinema आ रहा है कि दो घंटे में देखो और खाओ पियो किसको आपका dialogue है, तो क्या ये इस तरह का द्वंद आप real में भी feel करते हैं industry में? No, definitely. अलग अलग generations हैं हमारी industry में और वक्त के साथ आपको बदलना भी पड़ता है. एंड जैसे मैंने कहा कि ये जो डिसफंक्शनैलिटी हमारे जो रिलेशनशिप है, फादर सन रिलेशनशिप में, ये है कि नसीर जी ये कैरेक्टर जो विक्टर हैं, उन्होंने कंपनी को शुरुआती तौर पे उन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड ऑफ सिनेमा शुरू किया था जो लव बाय क्रिटिक्स एस्थेटिकली बहुत अच्छा था और उनकी एक रोमांटिक फिल्म में बनाया करते थे तभी. फिर जब उनका एक डाउनफॉल शुरू होता है, रघु मेरा कैरेक्टर सामने आके वो अपना खुद का एक ब्रांड असर्ट करता है मास सिनेमा का, तो वो कम्प्लीटली फ्लिप और ऑपोजिट है. मास सिनेमा इज़ फ्रंट बेंचर्स, ज़्यादा क्रिटिक्स पर निर्भर नहीं है, सिर्फ वो जो बॉक्स ऑफिस पे एक तरह से उसका एक बारोमीटर होता है फिल्मों को लेकर. और आई थिंक हमारी इंडस्ट्री खास बात और खूबी यही है कि अलग अलग जनरेशन्स के लोग हैं और एक तरह से सिनेजिस्टिकली हमारी इंडस्ट्री चलती है. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार आप किसी और की थॉट्स या उनका परसेप्शन सिनेमा का उनसे सहमत नहीं हो, लेकिन फिर भी वो कभी कभार चल जाता है. वो एक जो हमें लगता है ना कभी कभार कि कोई रिग्रेसिव होगा अपनी थॉट्स में, मगर फिर भी वो सिनेमा चल जाता है. तो एक जो कनेक्ट है ऑडियंस के साथ वो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो बस होता है, हो जाता है कभी कभार, लेकिन ये हमेशा होता है. एक तरह से एक परसेप्शन है ना सिनेमा का, मेरा परसेप्शन आपकी परसेप्शन से अलग होगा, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि आपका ख़राब है या मेरा सही है, ऐसा कुछ नहीं. हर एक का एक परसेप्शन होता है जो अपनी जगह सही है. बट ये आपका रियल ऑडियंस से वादा है कि जो चीज़ें नहीं पता वो भी इस शो को देख के डेफिनेटली डेफिनेटली आई मीन इस शो को देख कर आप शायद जब आप कैरेक्टर्स को देखोगे, जैसे रघु का कैरेक्टर हो या इन सबका कैरेक्टर हो, कहीं ना कहीं आपको लगेगा अच्छा ये शायद इस स्टार की तरह हैं या ये इस प्रोड्यूसर की तरह हैं. अभी ये किस पे बेस्ड है ये आपको डायरेक्टर और राइटर से पूछना पड़ेगा, या ये कई स्टार्स का अमेलगमेशन है राजीव, या ये कई प्रोड्यूसर्स का एक अमेलगमेशन है रघु, तो ये आपको राइटर या डायरेक्टर ही बता सकते हैं. लेकिन वो इंडस्ट्री में रहे हैं, उन्होंने खुद की एक्सपीरियंसेस इंडस्ट्री को बहुत नज़दीकी देखा है और उन्होंने उसको इस शो में एक तरह से put it into and weave it into the concept. चलिए, आपकी वेब सीरीज पसंद हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के लिए. थैंक यू.